हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2014 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके का जो पेपर आता है उसका यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिटेल। और ये 30 प्रश्न आता है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा जो कराया जाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग इन सभी प्रश्नों का 30 प्रश्नों का डिटेल देखेंगे और इसे आप ये अनुमान लगा लेंगे कि जो अभी आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है तो उसमें किस तरह के प्रश्न आपके जीके में पूछे जाते हैं। अब जो ये पूरा जीके जीएस है इसमें आपका फर्स्ट पेपर से भी कुछ प्रश्न रहते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के भी प्रश्न रहते हैं, साथ ही साथ हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न रहते हैं, ICT के प्रश्न रहते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपका हिस्ट्री भी रहता है, ज्योग्राफी भी रहता है, पॉलिटी भी रहता है और रीजनिंग के भी कुछ सवाल दे दिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नों का डिटेल यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। यदि आप इसका PDF चाहिएगा आपको तो हम PDF में इसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी हाल ही में एक वैकेंसी भरी गई है 47वीं यानी 47 वाली, उसका भी हम लोग फर्स्ट पेपर देखेंगे और ज्योग्राफी का भी पेपर देखेंगे, साथ ही साथ हिस्ट्री वगैरह के भी पेपर अवेलेबल हो जाते हैं तो उसको भी यहाँ पर आपको डिटेल में देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारे पास कि किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1956, 1966, 1976, 1986। तो देखिए ये हायर एजुकेशन का आपका प्रश्न हो गया, तो UGC का जो यूनिट नंबर 10 है, UGC का है यूनिट 10 जो फर्स्ट पेपर का आता है वहाँ से ये प्रश्न है कि किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपका दिया गया था 1956 में, और जो UGC की स्थापना की गई थी वह आपका 28 दिसंबर 1953 को कर दी गई थी। ठीक, इसमें जो यदि बात करें तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 10 अन्य सदस्य होते हैं यानी मेम्बर होते हैं। दूसरा है कि भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है वो कौन था? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। तो सुपर कंप्यूटर का जो पहला शैक्षिक संस्थान था तो ये आपका IIT कानपुर है। IIT कानपुर के पास जो सुपर कंप्यूटर था उसकी मेमोरी लगभग 52 MB थी और ये 500 MFLOPS की क्षमता के अनुसार ये कार्य कर पाता था। भारत का जो पहला शैक्षिक संस्था है वो कौन सा है? IIT कानपुर है, जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया किसके लिए? संदेश पाठक जो नया सॉफ्टवेयर है किस लिए विकसित किया गया? मीडिया के लिए, नेत्रहीनों के लिए, किसानों के लिए या पर्यटकों के लिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो जो आपका संदेश पाठक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था यह आपका किसानों के लिए किया गया था। किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी आदि समस्याओं के बारे में ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु प्रयुक्त की जाती है? प्रोलॉग, फोर्ट्रेन, सी लैंग्वेज, कोबोल। ठीक, तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जाता है तो ऑप्शन है आपके पास प्रोलॉग, फोर्ट्रेन, सी, कोबोल। जो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोलॉग। प्रोलॉग जो है ये आपका प्रोग्रामिंग इन लॉजिक इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो विकास किया गया फ्रांस में 1933 में किया गया था। फ्रांस में कब? 1933 में किया गया था। इसमें जो समस्याओं के समाधान के लिए तर्क की प्रधानता दी जाती है इसे तार्किक प्रोग्रामिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही यूज किया जाता है। अगला है क्लास क्या है यानी क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लास का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड
स्टडीज़ इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्न, ऑप्शन जो कौन सा सही हो जाएगा, विद्यालयों में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता व अध्ययन। तो ऑप्शन क्या यहाँ फुल फॉर्म में बताया कि कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर की साक्षरता, स्टडीज इन स्कूल यानी कि स्कूलों में अध्ययन। तो विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता व अध्ययन, ठीक, सही उत्तर आपका बी। नेक्स्ट है सूची एक और सूची दो का मिलान करना है कि किसकी खोज किसने की है। तो इनपुट डिवाइस या फिर कई चीज़ें यहाँ पे एक दूसरे संबंधित हैं। सबसे आसान तो आपका यहाँ पे है कंप्यूटर के जनक कौन है यहाँ पे, तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इसका मस्तिष्क बोला जाता है। इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट के बारे में हमने बताया था, ठीक। तो इनपुट डिवाइस में आपका क्या है, प्रिंटर जो है ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रिंटर है वो क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में आप देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए माउस है, स्कैनर है, जिससे क्या होता है कि हम अपने सूचना या डेटा को उसमें इनपुट करते हैं कंप्यूटर में या किसी को। तो आउटपुट क्या होता है कि जब वो सूचना या जो भी डेटा देते हैं हम उसको, तो वो हमको उसका फीडबैक देता है, या उसका मान लीजिए कोई डेटा आपने उसमें टाइप किया कंप्यूटर वगैरह में, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे, तो वो आपका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बना के दे देगा। तो वो आपका क्या होता है कि आपके लिए वो आउटपुट का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई म्यूजिक चलाते हैं, तो म्यूजिक में जो वो चलता है स्पीकर जो होता है वो हमको फीडबैक देता है उसका कि हमने म्यूजिक यहाँ पे चालू किया, तो वो हमको वॉइस के रूप में सुनाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगा। इनपुट हमने क्या किया कि यहाँ पे स्क्रीन पे सर्च किया, सर्च करके हमने क्लिक किया उस पर। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे आपका प्रिंटर EM-ADOS, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है, विश्व पर्यावरण दिवस 2014 की थीम क्या थी, स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। तो 2014 की ये थीम की बात कर रहा है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में से संबंधित है, ये आपका उसी समय गिराया गया था, बात सही है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपकू आंदोलन से थे, सही है। ओजोन क्षेत्र यूरोप में ही नहीं बल्कि आपका ये आइसलैंड में, ठीक, वर्तमान में ये लगभग आपका समाप्त हो चुका है, साथ ही साथ ये समताप मंडलों में पाया जाता है। तो ओजोन क्षेत्र बनने के कई कारण भी होते हैं। अगला, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ पे होता है, उष्णकटिबंध में, ध्रुवी में, शीतोष्ण कटिबंध में, महासागरों में। तो जो पारिस्थितिकी का सबसे समृद्ध क्षेत्र है कौन सा है, आपका इक्वेटोरियल बेल्ट है यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, या विषुवतरेखीय क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 और 2014 के दशक को किस रूप में घोषित किया, सतत विकास के शिक्षा के दशक के रूप में, पर्यावरण के विषय हेतु शिक्षा का दशक, पर्यावरण के लिए शिक्षा का दशक, पर्यावरण के विषय के लिए, या पर्यावरण के लिए, पर्यावरण जागरूकता के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा के दशक के लिए घोषित किया 2005 से लेकर 2014 का दशक। ग्रेट हिमालयन पार्क कहाँ पे है यानी GHNP कहाँ पे स्थित है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई। यह लगभग 117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और इसमें स्तनधारी जीव, पक्षी, सरसृप, मोलस्का, कीड़े आदि पाए जाते हैं। सूची एक और दो का मिलान यहाँ पे करना है कि गौरा देवी किससे संबंधित हैं, तो गौरा देवी आपका संबंधित है चिपको आंदोलन से। पारिस्थितिकी से संबंधित हैं, तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द किसने दिया, एजी टॉन्सले ने।
ग्लेशियोलॉजी, तो ग्लेशियोलॉजी के अंतर्गत ग्लेशियरों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, अगला है कि अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था। 1892 में, 1905 में, 1911, 1927। तो जो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905, उसके बाद आपका यहाँ पे 1911 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली को राजधानी बनाया 12 दिसंबर उसी समय, चूँकि एक दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1911 में, और तत्कालीन जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, उनके भारत आगमन के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। बाद में उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द करके कलकत्ता से दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दी गई, और यह आपका 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कोलकाता की जगह भारत को एक नई राजधानी बना दिया गया। हालांकि प्रस्तावित 1911 में ही पास हो गया था जो प्रस्ताव था। कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। 1050 ईस्वी से 1205 तक, 1206 से 1526 तक, 1226 से 1709 तक, या 1719 से 1850 तक। तो जो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वह है 1206 से लेके 1526 तक का जो काल है भारतीय इतिहास में मध्यकाल में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल के अंतर्गत लगभग 5 कालों का अध्ययन हम लोग करेंगे, 5 वंशों का अध्ययन करते हैं। नंबर एक आपका है गुलाम वंश, जिसे मामलूक वंश भी कहते हैं, ये 1206 से लेके 1290 तक था। ठीक, गुलाम वंश। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश था 1290 से लेके 1320 तक ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद जो आता है वो आपका तुगलक वंश आता है, फिरोज़ शाह तुगलक का तुगलक वंश आता है, गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी 1320 से लेके 1414 तक, 1320 से लेके 1414 तक आपका तुगलक होता है। उसके बाद आता है सैयद वंश, सैयद वंश का जो कार्यकाल है 1414 से लेके 1451 तक रहता है। उसके बाद आपका लोदी आता है, लोदी 1451 से लेके 1526 तक रहता है। 1526 के बाद आपका कौन सा आ जाता है, बाबर, हुमायूं, इनका काल आ जाता है। ठीक, मुगल काल। नेक्स्ट आइए, निम्न शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है। जोधपुर, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर। तो जो यहाँ पे देखिए कर्क रेखा की बात कर रहा है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 आपका है, केताक्ष में जिसे कहा जाता है, या फिर आप उसको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मिजोरम से होके गुजरती है, और झारखंड का जो रांची शहर है वो उसी पे स्थित है। लेकिन जो यहाँ पे आपका दिया गया है इसमें जोधपुर है, जोधपुर, नई दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, इसकी अपेक्षा कर्क रेखा के एकदम समीप कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका कोलकाता है। निम्न में से कौन सा एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल है, उकाई है, नागार्जुन है, टिहरी है। तो सही उत्तर देखिए जो टिहरी डैम है इसका निर्माण हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और उसकी सहायक नदी विलांगना, भागीरथी और विलांगना पे जो बांध बना है टिहरी डैम का निर्माण किया गया है। ठीक, नेक्स्ट आइए, सूची एक और दो दिया है, इसमें दिया है दीन इलाही, दासवंश और साइमन कमीशन, औसद, कुतुबुद्दीन ऐबक 1928, और चरक और अकबर हैं। दीन इलाही की स्थापना किसने की, तो आपका ये है अकबर महोदय। दासवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। साइमन कमीशन आया 1928 में, और औषधि यानी जो वैद्य हैं आयुर्वेदिक औषधि संबंधित हैं वो आपके चरक महोदय हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पे संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। 42वां संविधान संशोधन, 47वां, 24वां या फिर 92वां। तो जो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया।
और इसे मिनी संविधान की भी संज्ञा दी जाती है 42वें संविधान को, संशोधन संविधान को, क्योंकि इस समय ढेर सारे संशोधन किए गए थे। भारतीय संविधान में क्या है, 392 अनुच्छेद 12 अनुसूची है, 395 12 अनुसूची, 357 अनुसूची, 399 अनुसूची। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 395 12 अनुसूचियाँ हैं। फिलहाल शुरुआत में इसमें 8 थी, बाद में इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, तो आपका ये हो गया 12 अनुसूचियाँ। शुरुआत में 22 भाग थे, लेकिन बाद में उन भागों में भी संशोधन करके, जैसे 14 भाग का ये है, इस तरह से आपका टोटल मिला के 25 भाग हो गए हैं। अगला है रेनबो क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, औद्योगिक क्षेत्र से, बैंकिंग से, ग्रीन हाउस से। तो जो रेनबो क्रांति है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है, ठीक। अगला है 1972 में सर्वप्रथम जो प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना का प्रारंभ किसने किया था, यूपी में हुआ, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, भारत के सभी राज्य में। 1972 में जो गारंटीड रोजगार योजना था, इसका शुरुआत की गई सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में। अगला है बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रभाव में आया, 1 जनवरी 2010, फरवरी 2010, मार्च 2010, अप्रैल 2010। तो जो सही उत्तर है आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, और अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा, और इसी अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। निम्न में से कौन सा 20वीं शताब्दी की खोज में नहीं है, रेफ्रिजरेटर, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, टेलीविज़न। तो 20वीं सदी में किसका खोज नहीं किया गया, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा एयरक्राफ्ट का। तो एयरक्राफ्ट जो खोज हुई थी ये 1853 में ही की गई, जबकि रेफ्रिजरेटर हो गया, हेलीकॉप्टर है, टेलीविज़न, इनकी खोज 20वीं सदी से संबंधित है। कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया, विजय सेसाद्री, गुलजार, रॉबर्ट फॉस्ट, ट्रेसी। अब देखिए करंट से भी रिलेटेड प्रश्न आपका इसमें पूछा जाता है, एक प्रश्न आ गया, और भी प्रश्न आपको करंट से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उस समय के अनुसार ये जो सही उत्तर आपका विजय सेसाद्री था, 2014 का पुलित्जर पुरस्कार जिसे मिला। लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्रिकेट के संबंधित से भी जी की आपका पूछा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। जो लव खेल है ये आपका ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, पोलो। तो जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट है किस शोध संस्थान के द्वारा यह घोषणा की गई कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक बना रहा था, यानी 50,000 टन वजनी का चुंबक बना रहा था, कौन सा संस्थान, सर्न जिनेवा का, भाभा एटॉमिक शोध संस्थान भारत का, या नासा, या फिर अंतरिक्ष शोध संस्थान, या इसरो। तो यहाँ पे कौन सा सही उत्तर हो जाएगा कि किसने सबसे बड़ा चुंबक बनाने, या कौन सा बड़ा चुंबक बना रहा था, तो इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाभा आणविक शोध संस्थान जो भारत का है, विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन का ये बना रहा था। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेक्स्ट प्रश्न है 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय वानिकी दिवस, पर्यावरण, भोपाल दुर्घटना दिवस, या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन का 1928 में कोलकाता में इसी दिन उन्हें उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी जो रमन इफेक्ट के रूप में प्रसिद्ध हुई, ठीक। इसीलिए प्रत्येक 28 फरवरी को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये 1986 से किया जा रहा है। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर एसपाल, पूनम बत्रा, डी एस कोठारी, बी के पासी। तो जो सही उत्तर हो जाएगा बिना बोझ के सीखना
तो आपका प्रोफेसर यशपाल है। HRD मिनिस्ट्री के द्वारा 1992 की स्कूली बच्चों की शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए यशपाल की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा विचारार्थ विषय निम्नोत था कि जीवन पर्यंत स्वाध्याय और कौशल विकसित करने की क्षमता के निर्माण के साथ साथ अधिगम कौशल विकसित करने की क्षमता के निर्माण के साथ साथ अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तर के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे छात्रों की पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना था इस समिति की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? राष्ट्रीय, देखिए ये भी आपका हायर एजुकेशन से ही था, इसके पहले भी हायर एजुकेशन से था, यानी कि यदि हम देखें तो अब तक हमने 28 प्रश्नों में 4 ऐसे प्रश्न था जो हायर एजुकेशन संबंधित था, इसको हमने किया। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कौन सा जोड़ा सही है इसमें? इसकी स्थापना 1 सितंबर 1981 में की गई, तो आपका इन्हें 81 में नहीं बल्कि 1995 में किया गया। इसको हमने देखिए जो लोग पेड कोर्स में शामिल हैं उनको हमने कराया है पूरा हायर एजुकेशन का। ये भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब 1985 में की गई, ये आपका सही है। ठीक, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? वयस्कों के लिए। तो जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये वयस्क के लिए नहीं बल्कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए चालू किया गया। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन थी? कोंकणी है, तो ये प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी नहीं बल्कि तमिल है। ठीक, 29वां प्रश्न देखिए कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग नहीं है? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या प्रमाणिक विचलन? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सा नहीं है? तो मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक और प्रमाणिक विचलन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रमाणिक विचलन, ये आपका विचलनशीलता की माप है, जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है 30, कौन सा एक वर्णनात्मक शोध का प्रचार नहीं है? देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड का भी प्रश्न आ गया, तो ये हमने आपका पेड कोर्स में भी कराया है जो फर्स्ट पेपर के शामिल हैं। तो निम्न में से कौन सा एक वर्णनात्मक शोध का प्रचार नहीं है? सहसंबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध, प्रायोगिक शोध, सभी के बारे में हमने वहाँ पर बताया अलग अलग करके। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वर्णनात्मक शोध से संबंधित नहीं है कौन सा? प्रयोगात्मक शोध, जबकि सहसंबंधात्मक, तुलनात्मक, सर्वेक्षणात्मक सभी आपका क्या है? वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।